Welcome everyone, this is Anire from Muscle Clinic. In this episode, we'll discuss about benefits of ice bath. Let's roll the intro. The signs we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे आइस बाथ थेरेपी के बारे में, बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यहाँ लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके ज़रूर फॉलो करिएगा। रोज़ के रोज़ फिटनेस एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड पोस्ट वहाँ पर अपलोड करता हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ ही में अगर आपको व्लॉग्स देखना पसंद है तो हमारा एनी रे व्लॉग्स का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए बैक टू द वीडियो। तो आज का टॉपिक जो मैंने लिया हुआ है वो है आइस बाथ थेरेपी। मैंने रिसेंटली आइस बाथ थेरेपी कराया हुआ था और मैंने देखा इंडियन फिटनेस यूट्यूबर में किसी ने भी इसके बारे में वीडियो नहीं बनाया, तो मुझे लगा कि मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फॉरेन कंट्रीज़ में जो भी एथलीट्स रहते हैं या फिर आपके जो भी हैवी लिफ्टर रहते हैं, बॉडी बिल्डर्स या फिर जो UFC फाइटर्स रहते हैं, ये सब अपने हैवी वर्कआउट के बाद आइस बाथ लेते हैं। और आपने और एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब भी आपको कोई भी इंजरी होती है या फिर मसल पुल होता है या फिर थोड़े बहुत जो छोटे मोटे चोट लगते हैं, तो आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको आइस पैड लगाना चाहिए, जिससे ये चोट रिकवर हो जाएगी। तो आइस बाथ थेरेपी में आपको क्या करना पड़ता है, नियर अबाउट 50-60% वाटर एक टैंक में फिल करते हैं और साथ ही में 50-60% आपका आइस उसमें ऐड करते हैं, और आपको उसमें नियर अबाउट 10-15 मिनट्स तक स्टे करना पड़ता है, जिसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जो बेनिफिट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब भी आप हैवी वर्कआउट करते हैं तो आपके जो मसल फटीक होते हैं या फिर जो छोटे मोटे पेन होते हैं आपके मसल्स में या फिर छोटी मोटी जो इंजरी रहती है, जब भी आप 10-15 मिनट्स आइस बाथ करते हैं तो इससे कम्प्लीटली रिकवर हो जाती है। जैसा आप सबको पता ही है कि जो भी कोल्ड कंट्रीज जहाँ पर है, जहाँ पर वेदर कम रहता है, वहाँ पर बॉडी की रिकवरी ज़्यादा रैपिडली होती है और बहुत अमेजिंग तरीके से आप दूसरे दिन अच्छे से लिफ्ट कर सकते हैं। तो सेम वे में अगर आप इंडिया में आइस बाथ लेते हैं, और आपको पता है कि इंडिया में जो टेम्परेचर रहता है वो हमेशा हाई रहता है, तो इसलिए रिकवरी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो अगर आप वीकली या 15 डेज में एक बार आइस बाथ लेंगे तो आपकी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गुड स्लीप। तो आइस बाथ लेने के बाद आपके डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पे काम करता है, जिससे क्या होता है, जो भी आपकी फटीक रहती है वो दूर हो जाती है और साथ में आपकी बॉडी एकदम फ्रेश फील करती है। इस वजह से क्या होता है, जब भी आप रात को नींद लेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से स्लीप होगी। जैसे मैंने प्रीवियसली काफ़ी वीडियोज़ में बता के रखा है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से 6-8 आवर्स का स्लीप लेते हैं, डीप स्लीप, तो आपके मसल ज़्यादा अच्छे से रिकवर हो जाएंगे और दूसरे दिन जब आप लिफ्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस फील होगी, और साथ ही में सोने के बाद आप होल डे बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे। तो आइस बाथ लेने से आपकी स्लीप बहुत अच्छी हो जाती है, क्वालिटी स्लीप में कन्वर्ट हो जाती है। इस वजह से ज़रूर आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्फ्लेमेशन। तो जब भी आप वर्कआउट करते हैं, अगर आपको इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होती है, आपको फटीग की प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप आइस बाथ लेंगे तो इससे इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेगास नर्व। तो जो वेगास नर्व रहता है वो आपके बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट नर्व्स में से एक है, तो डायरेक्ट ब्रेन से लेकर आपके हार्ट तक जाता है। तो जब भी आप आइस बाथ लेते हैं, जो आपके वेगास नर्व रहता है वो कम्प्लीटली रिकवर हो जाती है, जिससे क्या फ़ायदा होता है, आपकी जो स्ट्रेस लेवल रहता है वो कम होता है और साथ ही में आपकी रिकवरी में भी बहुत ज़्यादा काम करता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना। जैसा आप सबको पता ही है कि मेन में टेस्टोस्टेरोन जो प्राइमरी हार्मोन रहता है, इससे आपके मसल बिल्डिंग के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। और एक बात आपको बता दूं कि जो आपके टेस्टिकल रहते हैं वो आपके बॉडी से इसलिए अलग रहते हैं ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और टेस्टिकल का टेम्परेचर कम रहेगा तो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन अच्छे से होगा। तो सेम वे में जब भी आप आइस बाथ लेते हैं तो आपके जो टेस्टिकल रहते हैं उसका टेम्परेचर और लो हो जाता है, इस वजह से उसकी फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है और सेम वे में टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका मेंटल हेल्थ। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया हुआ है कि ये आपके डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पे काम करता है, इस वजह से क्या होगा, आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक होती है और साथ ही में अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो वो भी कम हो जाएगी और जितने भी आपके लाइफ के स्ट्रेस है वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। तो इस वजह से आपको कभी ना कभी ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को आइस बाथ नहीं लेना चाहिए।
तो जिनको भी लाइक प्रीवियसली काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ है, जैसे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई, या फिर बीपी का प्रॉब्लम है, या फिर हार्ट का प्रॉब्लम है, या फिर जिनको जल्दी से ठंडी लग जाती है, या फिर एस्थमा है, तो ऐसे सारे लोगों को आपको आइस बाथ अवॉइड करना है। बिकॉज जब भी आप आइस बाथ लेते हैं तो आपके जो ब्लड रहते हैं वो एक जगह पे स्टेबल हो जाते हैं, और जिस भी मसल ग्रुप में आपके ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं जाता है वहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से जाना चालू कर देता है। बट फॉर नॉर्मल पीपल, अगर आपको इस टाइप की कोई सी भी बीमारी है तो आपका ब्लड तब प्रॉपर तरीके से पंप नहीं होगा, और इस वजह से आपको कार्डियक अरेस्ट का प्रॉब्लम आ सकता है। इस वजह से अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, या फिर हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है, या फिर एस्थमा है, तो आप लोगों को आइस बाथ नहीं लेना चाहिए। अगर आप कंप्लीटली फिट एंड हेल्दी है तो आप 5 to 15 मिनट तक आइस बाथ ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे आपकी मसल बिल्डिंग पे भी, और साथ ही में आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा, आपकी स्लीप बेटर हो जाएगी, और जो छोटी मोटी जो इंजरीज रहेगी वो ठीक हो जाएगी। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए, यहाँ लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ इट डिड देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड।